Welcome students, today I am going to discuss preparation of a statement of cost and especially calculation of percentage. आज हम आपको इस वीडियो में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाने की प्रक्रिया और विशेष रूप से परसेंटेज कैलकुलेशन की जानकारी देंगे, साथ ही साथ प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट अगर क्वेश्चन के रूप में दिया गया है तब फिर हम कैसे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, हम इसकी जानकारी विस्तार से आपके सामने में प्रेजेंट करने जा रहे हैं। जैसा कि स्पष्ट रूप से आपको बतला दिया गया है कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जब हम बनाते हैं तो स्टेप वाइज जैसे जैसे प्रोडक्शन में हमारा एक्सपेंसेस वैल्यू होता जाता है हम उसको शो करते जाते हैं। सबसे पहले अपना हमारा स्थान आता है मटेरियल का, एंड देन वेजेस का, चार्जेबल एक्सपेंसेस का, तो हमारा प्राइम कॉस्ट आ जाता है। इसके पश्चात हम फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस को शो करते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस आ जाता है। ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस को शो करते हैं तो ऑफिस कॉस्ट आ जाता है। सेलिंग एक्सपेंसेस को दिखलाते हैं तो टोटल कॉस्ट की जानकारी हो जाती है और फिर प्रॉफिट से हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाता है। ये बातें तो हम बतलाए हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आज तक स्टेटमेंट फॉर्म में दिया जाता था। जब ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में ये इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा तो हम आखिर इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इसी के विस्तार से हम आपको आपके सामने में जानकारी प्रेजेंट करने जा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसा कि बतलाए हम, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज की आती है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट तो पहले भी बतला चुके हैं, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपके सामने में रखने जा रहे हैं। जैसे ही कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कहता है तो सबसे पहली बात तो याद रखना है, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज जब भी हम करेंगे आफ्टर प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, जब हमारे सामने में वैल्यू आ जाएगा तभी तो परसेंटेज निकालेंगे। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज इक्वल टू रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर, रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर, दो संख्याओं के बीच का संबंध है ये। जैसे एग्जांपल के रूप में हम अगर आपको कहते हैं 10%, 10 इज़ द प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस इज 100, इस तरीके से इन संबंधों को जब हम कैलकुलेट हमें कहता है करने के लिए तो वैल्यू हमारे सामने में होगा तभी तो हम परसेंटेज या वैल्यूएशन या संबंध स्थापित कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। इसी कारण से याद रखिएगा, जब भी परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा पहला स्टेप हमारा होगा प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, जो कि आप जानते हैं बनाना। तो पहले हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना लेंगे तो हर एक आइटम का वैल्यू हमारे सामने में आ जाएगा, फिर हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो दो तरीके से रहता है। एक तरीका रहता है कि बेसिस ऑफ परसेंटेज इज गिवन, बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज इज गिवन, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज इज गिवन, और कभी कभी हम पाते हैं बेसिस नहीं दिया जाता है, आधार नहीं दिया जाता है। बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग परसेंटेज या कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज इफ नॉट गिवन, तो बेसिस कभी दिया भी जाता है, बेसिस कभी नहीं भी दिया जाता है। बेसिस अगर दे दिया है तब तो बिल्कुल संबंध है कि किस बेसिस का मतलब होता है किस वैल्यू का और किस वैल्यू से परसेंटेज निकालना है। इस स्थिति में परसेंटेज निकालने के लिए तो सबसे पहले फार्मूला या रूल को याद रखना होगा। रूल कहता है ऑफ जिसका बोला है, दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई जिससे बोला है, यानी का गुणे 100 बटा से, जिस वैल्यू का परसेंटेज बोला है दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई या से, ये हमारा रूल है। किसी भी स्थिति में हम परसेंटेज इसी फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिस अगर दे दिया गया है कि किस वैल्यू का किस वैल्यू से परसेंटेज निकालना है तब तो कहीं कोई समस्या नहीं है। जिस वैल्यू का निकालना है उसे हम ऊपर में लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 100 वैल्यू, जिससे निकालना है उसके वैल्यू को नीचे लिखेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा परसेंटेज आ जाएगा। और अगर बेसिस नहीं दिया गया है तो इस स्थिति में हमारे सामने में समस्या है कि किस वैल्यू का किस वैल्यू से परसेंटेज निकालना चाहिए। इसके कारण से स्टैंडर्ड बेसिस फिक्स है,
स्टैंडर्ड बेसिस मालूम होना चाहिए आपको, स्टैंडर्ड बेसिस याद रखने का है। अगर बेसिस नहीं दिया है और बोला है आपके क्वेश्चन में कि कैलकुलेट नेसेसरी परसेंटेज या आवश्यक प्रतिशत निकालिए, तो किसका किससे निकालेंगे, इसके लिए स्टैंडर्ड बेसिस याद रखना होगा। तो पहला है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस वैल्यू का वेजेस से परसेंटेज निकालना है स्टैंडर्ड बेसिस में। बेसिस दे दिया है तो वो आपके मीनिंगलेस है या मीनिंगफुल है बेसिस, दैट इज इमटेरियल। जिसका जिससे बोला है उस कंडीशन में उसी का परसेंटेज निकालना होगा। नहीं दिया गया है बेसिस और बोला है कि परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए, नेसेसरी परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए, तो पहला परसेंटेज हम निकालेंगे फैक्ट्री एक्सपेंसेस का वेजेस, दूसरा परसेंटेज हम निकालेंगे ऑफिस एक्सपेंस का, और ऑफिस एक्सपेंस का परसेंटेज हमेशा याद रखिएगा फैक्ट्री कॉस्ट से निकाला जाएगा। तीसरा परसेंटेज सेलिंग एक्सपेंस का बोला जा सकता है, या अगर आपको सेलिंग एक्सपेंस का परसेंटेज निकालना और बेसिस नहीं दिया है तो हम हमेशा इसे ऑफिस कॉस्ट से या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से निकालेंगे। चौथा परसेंटेज प्रॉफिट का है, तो प्रॉफिट का हम दो तरीके से परसेंटेज निकाल सकते हैं अगर बेसिस नहीं दिया है तो, एक ऑन टोटल कॉस्ट और बी ऑन सेलिंग प्राइस या सेल्स। तो बेसिस नहीं दिया है तो इस बेसिस को याद रखना होगा, बेसिस दे दिया है तो जैसे भी दिया गया है फॉर्मूला तो हमेशा यही रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हम आपको एक और महत्वपूर्ण बात बतलाने जा रहे हैं कि कभी कभी ज्वाइंट में एक्सपेंसेस दे दिया जाता है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है और एक्सपेंसेस जो है सामूहिक रूप से दे दिया जाता है। जैसे हमारे कहने का मतलब हम दो चीज़ों को बना रहे हैं, ए प्रोडक्ट भी और बी प्रोडक्ट भी, मटेरियल अलग अलग दिया गया है, वेजेस अलग अलग दिया गया, लेकिन फैक्ट्री एक्सपेंसेस कम्बाइंड दे दिया है दोनों प्रोडक्ट का, ऑफिस एक्सपेंसेस कम्बाइंड दे दिया है दोनों प्रोडक्ट का, और कोई बेसिस डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं दिया गया है। तो याद रखेंगे इसी स्टैंडर्ड बेसिस के बेस से हम उस एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी फैक्ट्री एक्सपेंसेस को वेजेस के रेशियो से, दोनों प्रोडक्ट के वेजेस का रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे और उसी से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर ऑफिस एक्सपेंसेस ज्वाइंट में दिया गया है तो उसे फैक्ट्री कॉस्ट, जब दोनों प्रोडक्ट का स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाए तो दोनों का हमारा फैक्ट्री कॉस्ट सामने आ चुका है, फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस से हम ऑफिस एक्सपेंसेस को लिखेंगे। चूंकि फैक्ट्री कॉस्ट के बाद का वैल्यू है ऑफिस एक्सपेंस को लिखना, इसलिए जब बेसिस हमको मालूम हो गया सामने में तो उससे हम डिस्ट्रीब्यूट करके, उसके रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करके हम उसके नीचे में ऑफिस एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं, ऑफिस कॉस्ट फिर अलग अलग निकल जाएगा। इस तरीके से ये जो हमारा स्टैंडर्ड बेस है, नॉट ओनली फॉर द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज बट ऑल्सो फॉर ज्वाइंट एक्सपेंसेज, इफ़ बेसिस इज नॉट गिवेन टू डिस्ट्रीब्यूट और एनी इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवेन टू डिस्ट्रीब्यूट सच एक्सपेंसेज, ऐसे व्ययों को बांटने के लिए अगर कोई आधार नहीं दिया गया है तो यही स्टैंडर्ड बेसिस हमारा आधार बनता है ऐसे व्ययों को बांटने के लिए। इस तरीके से परसेंटेज की जानकारी हो जाने के पश्चात हम एक क्वेश्चन आपके सामने में लेने जा रहे हैं और उस क्वेश्चन से ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्म का क्वेश्चन रहेगा और उस क्वेश्चन से हम आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी बनाना सिखलाएंगे, साथ ही साथ नेसेसरी परसेंटेज जबकि बेसिस हम दे देंगे उस बेसिस से परसेंटेज कैलकुलेशन भी हम आपके सामने में प्रेजेंट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारे सामने में है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवेन इन ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड ऑल्सो कैलकुलेट परसेंटेजेस। नंबर वन, फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऑन वेजेस, प्रॉफिट ऑन सेल्स, ऑल्सो प्रॉफिट ऑन टोटल कॉस्ट। दिया गया है ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड मटेरियल, तीनों का वैल्यू है, परचेजेस है, वेजेस है, कैरिज इनवर्ड है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, क्रेडिट में सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश मटेरियल, और डिफरेंस निकाले तो हमारा 30,000 ग्रॉस प्रॉफिट, ये भी क्वेश्चन में दिया गया है।
तो दिए गए इन्फॉर्मेशन से हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। पहले हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे तभी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि हम आपको बतलाए। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में सबसे पहले हम दिखलाते हैं रॉ मटेरियल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले ओपनिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग रॉ मटेरियल है 5000। फिर परचेजेस को प्लस करेंगे इसमें, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल है 40000। परचेजेस अंडरस्टूड है रॉ मटेरियल का ही होता है। कैरेज इनवर्ड भी उसी मोमेंट में खर्च किया जाता है, इसलिए उसको भी हम ऐड कर लें। कैरेज इनवर्ड 5000 है। इस तरीके से हमारा टोटल अमाउंट अब तक के एक्सपेंसेस का आ गया 50000। इसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग फिनिश्ड, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, फिनिश्ड नहीं, अभी रॉ मटेरियल का यूज़ हो रहा है। क्लोजिंग रॉ मटेरियल कितना है 5000 से, और हमारा वैल्यू आ गया 45000। ये 45000 क्या आया, मटेरियल यूज्ड, मटेरियल यूज्ड और कंज्यूम्ड। मटेरियल यूज्ड मालूम हो जाने के बाद हम इसमें वेजेस को प्लस करते हैं, प्लस करेंगे वेजेस। वेजेस का वैल्यू है 45000। वेजेस को प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो 90000। ये क्या आ गया हमारा, प्राइम कॉस्ट। हर एक इंपॉर्टेंट वैल्यू को फाइनल अमाउंट कॉलम में भी शो करते जाना है। मटेरियल यूज्ड कितना आया था 45000, प्राइम कॉस्ट कितना आया तो 90000। प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री एक्सपेंसेस का वैल्यू 18000 दिया गया है, उसे हम लिखेंगे, प्लस करेंगे। साथ ही साथ WIP भी दिया है, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। तो जैसा कि हम जानते हैं कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो WIP को या तो प्राइम कॉस्ट से पहले हम शो करते थे, कर सकते थे, या फैक्ट्री कॉस्ट के पहले। तो हम यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट के पहले शो करने जा रहे हैं, प्लस ओपनिंग WIP। WIP का ओपनिंग है 6000। सभी प्लस आइटम को प्लस कर दे रहे हैं, 1,14,000, 1,14,000, 6,8,14,2,9,11। माइनस करेंगे क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग WIP दिया गया 5000। इस तरीके से इसको माइनस करने पर 1,09,000, 1,09,000 आ गया हमारा। क्या आ गया, ये फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कुछ भी बोल सकते हैं। और फैक्ट्री कॉस्ट मालूम हो जाने के बाद हम इसमें ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, वो है नहीं। इसका मतलब फैक्ट्री कॉस्ट ही हमारा ऑफिस कॉस्ट भी हो जाएगा, जिसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। इसके पश्चात कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ओपनिंग फिनिश्ड को प्लस करते हैं, ओपनिंग फिनिश्ड है हमारा 20,000 से, 1,29,000, 1,29,000 आ गया। माइनस करेंगे क्लोजिंग फिनिश्ड, क्लोजिंग फिनिश्ड दिया हुआ है 9,000। इसको माइनस करने पर हमारा वैल्यू आ जाएगा 1,20,000। इस 1,20,000 को हम क्या कहते हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसके बाद सेलिंग एक्सपेंस को ऐड करते हैं तो टोटल कॉस्ट आता है। सेलिंग एक्सपेंस है नहीं, इसलिए इसे ही हम क्या कह देंगे, टोटल कॉस्ट भी इसी का नाम दे देंगे। टोटल कॉस्ट के बाद प्रॉफिट को ऐड करते हैं और आ जाता है सेल्स। यहाँ पर सेल्स का वैल्यू दिया गया 1,50,000, तो डिफरेंस जो है हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 30,000 से। 30,000 प्रॉफिट में आ गया, सेल्स आ गया 1,50,000, और ऑफिस कॉस्ट आ गया हमारा 1,09,000।
कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया हमारा, या टोटल कॉस्ट 1,20,000। हर एक इम्पॉर्टेंट आइटम के वैल्यू को हम फाइनल कॉलम में भी शो कर दिए। इस तरीके से हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बन करके तैयार हो गया। आफ्टर प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, व्हेन एंटायर इंफॉर्मेशन और आइटम वैल्यू इज प्रेजेंटेड और रिकॉर्डेड इन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, हम इसके बाद परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस भी वैल्यू का जिससे रिलेशन बोला एस्टैब्लिश करने के लिए एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर रिलेशनशिप नहीं दिया गया है, जस्ट नेसेसरी परसेंटेज बोलता है, तो स्टैंडर्ड परसेंटेज हम आपको इसी वीडियो में बतलाए थे, उसको याद रखना है और उसी बेसिस से परसेंटेज कैलकुलेट करना है। पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में तो दे दिया गया है परसेंटेज। तो अगला हेडिंग हम देंगे, आफ्टर प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज। परसेंटेजेस, इसके बाद हम परसेंटेजेस निकालने जा रहे हैं। तो परसेंटेज में नंबर वन परसेंटेज किससे बोला है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस का वेजेस से। तो फैक्ट्री एक्सपेंस ऑन वेजेस, अभी अभी हम फार्मूला बतलाए हैं जिसका बोला है, तो किसका बोला है, फैक्ट्री एक्सपेंस का, उसके वैल्यू को ऊपर में लिखेंगे। तो फैक्ट्री एक्सपेंस का वैल्यू आप ढूंढिए कितना है, 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, जिससे बोला है, किससे बोला है, तो वेजेस से, बाई वेजेस, तो वेजेस का वैल्यू 45,000 है। हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे, 40% आ जाएगा। दूसरा परसेंटेज बोला गया है प्राइम कॉस्ट ऑन मटेरियल यूज्ड। प्राइम कॉस्ट ऑन मटेरियल यूज्ड, याद रखना है अगर बेसिस दिया है तो वो रिलेवेंट है या इरिलेवेंट से कोई मतलब नहीं, जैसा बेसिस दिया वैसे हमें परसेंटेज निकालना है। तो प्राइम कॉस्ट का मटेरियल यूज्ड से, तो प्राइम कॉस्ट का क्या वैल्यू है, 90,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, मटेरियल यूज्ड से, मटेरियल यूज्ड का क्या वैल्यू है, 45,000। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 200%। तीसरा परसेंटेज बोला है निकालने के लिए प्रॉफिट ऑन सेल्स। तीसरा में दो बातें हैं, ये नहीं, तीसरा और चौथा अलग अलग कर दिए हैं। तो थर्ड परसेंटेज है प्रॉफिट ऑन सेल्स। वैसे भी प्रॉफिट का जब परसेंटेज बोलता है हम स्टैंडर्ड में बतलाए तो दोनों से निकाल देना चाहिए, लेकिन इससे यहाँ स्टैंडर्ड नहीं है, यहाँ तो जैसे दिया जितना दिया उतना ही कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले प्रॉफिट ऑन सेल, तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है किससे, सेल्स से, इक्वल टू प्रॉफिट है 30,000 सेल इंटू 100 बाई सेल्स, सेल्स का वैल्यू है 1,50,000। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 20% आएगा। फोर्थ है प्रॉफिट ऑन टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट ऑन टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट है हमारा 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट है हमारा 1,20,000। टोटल कॉस्ट है हमारा 1,20,000। ये आ गया हमारा 25%। डबल ज़ीरो कट गया, डबल ज़ीरो कट गया, 12 से डिवाइड देंगे तो 25% आ गया। इस तरीके से जब भी क्वेश्चन में अगर बोलता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाइए और परसेंटेज, तो हम पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना लेंगे या और फिर बाद में परसेंटेज, या जस्ट बोलता है कैलकुलेट परसेंटेज, फिर भी आपका काम है पहला स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर करना एंड देन कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेजेस एज पर इंफॉर्मेशन गिवेन और रिलेशनशिप गिवेन। इफ रिलेशनशिप और इंफॉर्मेशन फॉर परसेंटेज आर नॉट गिवेन, देन स्टैंडर्ड बेसिस दैट इज ऑलरेडी एक्सप्लेन इन प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस वीडियो मस्ट बी अप्लाइड। याद रखना है इस बात को, अगर रिलेशनशिप नहीं दिया गया है, संबंध नहीं दिया है, बेसिस नहीं दिया है, तो जो इसी वीडियो में हम स्टैंडर्ड बेसिस बतलाएं उसको फॉलो करेंगे, उसको याद रखेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। इस तरीके से आप अपने बुक से
जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, हमें उम्मीद है आप इस लेवल के सभी क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन इस चैप्टर का बन जाएगा। अब कुछ टिपिकल डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हैं उनको छोड़ करके अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चन अब आप बनाने के पोजीशन में हैं, इसीलिए कोई भी बुक हो आप अपने से स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन को बनाइए। अगर इस लेवल तक के क्वेश्चन को बनाने में कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप कंपलसरी अनिवार्य रूप से हम बार बार कहते हैं आप अपनी बात को कमेंट में रखिए। साथ ही साथ आज जो प्रैक्टिकल बेस्ड हमारा इन्फॉर्मेशन दिया गया, इसलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन को जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं कर देते हैं, अपने बुक से सॉल्व नहीं कर लेते हैं, ये समस्या बनी की बनी रह जाएगी। सिर्फ देख लेने से, समझ लेने से, सुन लेने से प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में सॉल्व नहीं होने वाला है। इसी कारण से बार बार हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक के सपोर्ट से, बुक के क्वेश्चन से आप सॉल्व कीजिए। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आवश्यक रूप से कमेंट सेक्शन में डालिए। जैसा कि हम आपको बताए, ये जो टॉपिक है प्रोफेशनल कोर्सेज में, चाहे वो CFA हो या ICW हो या आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो, कंपनी सेक्रेटरीशिप हो, जितना भी लेवल का प्रोफेशनल कोर्सेज है, और वोकेशनल कोर्सेज में चाहे वो आपका इवन इंजीनियरिंग वगैरह में भी, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को भी इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ना पड़ता है। बेसिक अकाउंटिंग के साथ साथ कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ना पड़ता है। इन सब बातों के कारण से हर एक स्टूडेंट के बीच में, जहाँ तक आपके संबंध हैं, आपको समझ है, जानकारी है, जिसको भी इसकी ज़रूरत है, ज़रूर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आज के पेंडेमिक काल में, समय में, निश्चित रूप से घर बैठे बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान, एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज, न सिर्फ कंसेप्ट और थियोरी का, प्रैक्टिकल सवाल को बतला करके हम उसको सॉल्व करके दिखलाते हैं। हमारी बातों को कोशिश कीजिए बार बार सुनने का, समझने का, बार बार वीडियो देखने का। अगर फिर भी समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। हमें उम्मीद है आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।